हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का थर्सडे के दिन का एक्सपायरी के दिन का मोमेंटम क्या था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे मंडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों अभी बने निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और थर्सडे के दिन हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिला था। एक हमें ये वाली ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिली थी जिसको अपन ने वेडनेसडे के वीडियो में डिस्कस किया था, और जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ है वहां से एक हमें स्कैल्पिंग मोमेंटम देखने को मिला है। अगर अपन कैलकुलेट करें तो वो था अराउंड 43 पॉइंट्स के आसपास का। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो पूरे टाइम हमें सिर्फ सेकंड हाफ में एक बॉक्स के अंदर ही ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। अगर अपन वो बॉक्स मार्क करेंगे तो कुछ ऐसा अपन को बॉक्स बनते हुए देखने को मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर ही हमें ज़्यादातर टाइम ट्रेड होते हुए देखने को मिला सेकंड हाफ में थर्सडे के दिन, और वहां से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है अराउंड 3 बजे की कैंडल से, और वहां से एक और हमें शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम ऊपर का देखने को मिला है अराउंड 80 पॉइंट्स के आसपास का। तो जो भी ये बॉक्स मार्क किए होंगे उन्हें ये वाला मोमेंटम कैप्चर करने में देखने को मिला होगा। और लास्ट में हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,370 के लेवल के आसपास की। तो ये था निफ्टी का थर्सडे के दिन का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहां देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है निफ्टी। तो दोस्तों अब आ गए निफ्टी के वनडे के टाइम फ्रेम में, और जो हमें थर्सडे के दिन की कैंडल देखने को मिल रही है वो एक हमें नीचे से रिजेक्शन लेते हुए कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है अपन को आते हुए देखने को मिलेगा वो अभी फिलहाल यही लेवल है जो कि है 21,750 का लेवल। अगर इसके ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलेगी तो ये जो जहाँ से हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी ट्यूसडे के दिन 23 जनवरी के दिन, तो इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो एक हमें ऊपर का मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यूएशन में अपसाइड की रैली बनती हुई देखने को मिल सकती है, जिसमें कि सीधा टारगेट पहले ऑल टाइम हाई तक का देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर अपन बात करें तो अगर ये वाला स्विंग लेवल ब्रेकडाउन करेगा जो कि है 21,137 के आसपास का, तो इसके नीचे हमें डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पैनिक सेलिंग भी बोल सकते हैं अपन उसे, जिसमें सीधा टारगेट अपना 21,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक का देखने को मिल सकता है, और बीच में हमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी निफ्टी में बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंट और कहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहां डिस्कस करेंगे मंडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में निफ्टी के, और यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें कि अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला स्विंग लेवल ब्रेकआउट करेगा जो कि है 21,480 का लेवल, तो इसके ऊपर हमें अपसाइड का मूवमेंट बनते हुए देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि है 21,571 का, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो जो अपना सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर ये वाला लेवल जो कि है 21,666 का, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल जो कि है 21,750 का, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग लेवल जो कि है अराउंड 21,850 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। अपसाइड में अगर 21,480 के ऊपर सस्टेन करता है मंडे के दिन, तो डाउनसाइड का मोमेंट अपन कहाँ देखने मिलेगा। डाउनसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे जो कि है 21,214 के आसपास का लेवल, तो इसके नीचे हमें बियरिश मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल जो कि है 21,137 का, और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो मैं पहले चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इस लेवल के नीचे अपन को बहुत दिनों बाद ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा निफ्टी। तो दोस्तों जो अपना सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल जो कि अराउंड 21,050 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करते हैं तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 21,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक का देखने को मिल सकता है, और जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 20,934 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। डाउन साइड में अगर 21,214 को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है निफ्टी, तो अगर निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे जो कि ये वाला रेंज, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डिके ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि 21,480 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे जो कि 21,212 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से अपन को इस लेवल से अगर अपन एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें, ऐसे एक्सटेंड कर दे, तो अपन को मंडे के लिए बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन डाउन साइड में बनती हुई देखने को मिल रही है। अप साइड में अगर अपन ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो अपन को अप साइड में भी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छा मूवमेंट बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें, और गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, टेलीग्राम्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।